हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में आप थीम चेंज कर सकते हैं, वो भी ओनर के डिवाइस में। गाइस, आपने थंबनेल में तो देख लिए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो आपने टाइटल में तो देख लिया हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और गाइस, एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, अगर फ़ोन में आपको हिडन फीचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर भीम यूपीआई से रिलेटेड, या फिर आपका सिम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका सिम किसी और के नाम पर है, आप अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, या फिर आपका जो फ़ोन के अंदर है कोई सेटिंग चेंज हो गया जिसकी वजह से आपको कॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ओनर के डिवाइस के सेटिंग, यहाँ पे थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बहुत ही आसान है थीम लगाना, और यहाँ पर आपको थीम जो देखने को मिलता है यहाँ से सेट करके अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। कोई सा भी यहाँ से थीम ले सकते हैं, या फिर यहाँ बगल में भी देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया है, मेरा थीम लग चुका है। तो इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपका फिर भी अगर ये वॉलपेपर सेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और गाइस, इससे पहले कि मैंने जैसे वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि डू नॉट डिस्टर्ब जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रहा था तो नेविगेशन बार में उसके ऊपर भी आप लोगों का बहुत ही आया था। तो उसी में आप लोगों का कमेंट आया था कि थीम कैसे सेट करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।